हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और फाइनली आज हम पोको एक्स टू का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, जो कि अभी फ्लिपकार्ट से आया है। चलिए हम इसका सील ब्रेक करते हैं बहुत ही संभाल के, और ये बॉक्स को हम ओपन करने जा रहे हैं। देखते हैं अंदर क्या क्या कंटेंट है। और येलो कलर का एकदम मस्त पैकिंग अंदर का जो है वो मटेरियल देखने को मिला है। इसको ओपन करके देखते हैं। और इसमें एक केस अंदर इनबिल्ट मिला है और कुछ ज्ञान की बातें हैं, और सिम इजेक्टर टूल भी हमें देखने को मिला है। इसको साइड पर रखते हैं। ये रहा हमारा बेहतरीन पोको एक्स टू, जो कि 6GB 128GB वाला वेरिएंट हमने मंगाया है। और क्या ग्लॉसी लुक है। इसको अभी साइड पर रखते हैं और अंदर बाकी के बॉक्स के कंटेंट देखते हैं। ओके, कुछ खास नहीं है, बस सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक ही ये बहुत ही बढ़िया 27W फास्ट चार्जिंग करने वाला चार्जर। ओके, मैं फोकस करता हूँ। ओके, ये रहा, देखिए आप पढ़ सकते हो। ओके, ये थोड़ा हैवी है वजन में। और यहाँ पे हम दूसरा जो आइटम है वो है इसका केबल, टाइप सी है आई गेस। यस, टाइप सी पोर्ट है। मैं इसको फिर से फोकस करके अच्छे से दिखाता हूँ आप। तो देख लिया, अब हम चलते हैं, बॉक्स को साइड पे रखते हैं और चलते हैं हम हमारे फ़ोन के पास और थोड़ा सा देखते हैं, इसको निकालते हैं। निकल जा। OMG, ये भाई बहुत ही खूबसूरत फ़ोन है। सीरियसली, मतलब क्या इसका जो लुक है ना, वो मतलब कुछ एकदम प्रीमियम फ़ोन वाला लुक लग रहा है। मतलब हाथ में भी एकदम फिट है। जो लोग बोल रहे थे कि वन हैंड यूज़ वाला नहीं है, तो ये सही है। मतलब काफ़ी बड़ा है और थोड़ा पतला भी है। देखा जाए तो चार कैमरे हैं। आपको पीछे 64MP का सोनी IMX सेंसर के साथ कैमरा मिलता है। चलो हम इस स्टिकर को निकाल देते हैं पहले IMEI वाले। और अब हम इसको ऊपर के साइड आपको IR ब्लास्टर देखने को मिलता है और एक एक्स्ट्रा माइक देखने को मिलता है। राइट साइड पे आपको वॉल्यूम बटन अप डाउन, नीचे की साइड आपको स्पीकर ग्रिल, हमारा प्यारा सा हेडफोन जैक और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। और राइट साइड पे एज़ यूजुअल हाइब्रिड सिम स्लॉट है आई गेस। वो चलो हम ओपन करके आपको डिटेल में दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये हमने ओपन कर दिया है और इसको हम थोड़ा सा निकाल के दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इसको इसमें सिम वगैरह कुछ नहीं डालूंगा। देखिए आप देख सकते हैं, एक सिम और एक मेमोरी कार्ड या फिर दो सिम एक साथ चला सकते हो। मगर आप तीनों चीज़ एक साथ चलाना चाहोगे तो नहीं चला सकते। चलिए हम फ़ोन को बूट करते हैं और देखते हैं अंदर क्या है इसके खास। ये कवर तो मैं, और ये कवर इसके साथ ही आया है, ये मैंने अभी खोला। और बाकी की प्रोसेस मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि वो थोड़ा पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहता है। हमने कवर को चढ़ा दिया है, बहुत ही अच्छा ग्रिप बैठा है। और ये सारी एप्लीकेशन वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है तो इसको हम स्किप करेंगे और सेटअप जो है हमारा वो अभी कंप्लीट कर लेते हैं। सेटअप हो रहा है, लोडिंग एप्स हो रही है। ये थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है, ठीक है, और मैंने भी ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया है, तो देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। ओके, ये हो गया है और ये अब हम इसमें फिंगरप्रिंट वगैरह हमने सब कुछ सेट कर लिया है। ओके, लेकिन इसमें ये एक चीज़ है कि अपन जैसे लॉक के लिए बटन दबाते हैं ना, तभी इसका फिंगरप्रिंट काम करता है। टच में सिर्फ टच में काम नहीं करता है, लेकिन जब लॉक स्क्रीन ऑन हो, मतलब जब स्क्रीन की लाइट ऑन रहती है, तब आप देख सकते हो। और इसमें MIUI 11 चल रहा है, जो कि लेटेस्ट नहीं है, इसका अपडेट आ गया होगा मेरे ख्याल से, आ जाना चाहिए। अभी MIUI 10 पे चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। और 730G का फास्ट प्रोसेसर है। प्लस इसमें देखा जाए तो आप देखिए इसका टच जो है और इसकी बैटरी परफॉर्मेंस सब कुछ अच्छा ही है मेरे ख्याल से। 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ ये फ़ोन आता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है अपने आप में एक। और 27W का फास्ट चार्जिंग है और 4500mAh की बैटरी है इसमें, तो ये फ़ोन को बहुत ही जल्दी चार्ज कर ले। मतलब तकरीबन एक घंटे में तो ये आराम से फ़ोन को चार्ज कर ही लेगा किसी भी कीमत पर। और इसका यूसेज ऐसे देखा जाए तो अगर स्क्रीन आपकी ऑन रहती है और अगर आप 120Hz पे यूज़ करते हो, तो मे बी पॉसिबल है कि बैटरी थोड़ा ज़्यादा यूसेज बैटरी थोड़ा कम, मतलब पावर दे, कम टाइम तक चले। लेकिन अगर आप 60Hz पे चलेंगे तो डेफिनेटली ये आपको सुबह से लेकर शाम तक का अच्छा बैकअप दे देगा। इवन अगर आप आधा घंटा बीच में पबजी भी खेलते हो तो भी आपका शाम तक आराम से बैटरी जो है वो चल जाएगा। और बाकी चीज़ें अंदर देखते हैं। मैंने इसको अभी गेस्टर वाला एनेबल कर दिया है, कर देते हैं हम फुल गेस्टर, क्योंकि मुझे पहले से ही नॉर्मली ये जो है इसका सिस्टम है ये बहुत ही पसंद है, ताकि जस्ट राइट साइड से हम स्लाइड करें तो बैक चले जाते हैं और नीचे से जैसे ही अप करेंगे तो जो है मेन रिसेंट ऐप्स खुल जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है पोको की तरफ से
या ये कहे शाओमी की तरफ से जो दिया गया है। और यहाँ पे गेम टर्बो मोड हमने दे लिया है, लेकिन अभी हमने कोई भी गेम वगैरह नहीं डाला है, वो हम बाद में डालेंगे। और इसका डिटेल वीडियो पबजी के ऊपर और पबजी लाइट के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से ज़रूर डालेंगे। एम करते हैं 100 लाइक्स का, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं बहुत नया हूँ और मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लाइक मुझे भी एक टेक्निकल गुरुजी की तरह मुझे भी आगे आना है। तो लाइक गाइज, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से जल्दी लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इसी तरह की वीडियो अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ डेफिनेटली मुझे फॉलो करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना। और देखिए, हम यहाँ पर कैमरा भी टेक्स्ट कर लेते हैं, तो मैक्रो में मैक्रो शॉट पर ये ऑन होता है, और ये फ्रंट कैमरे की क्लियरिटी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, आप देख सकते हैं, और बेहतरीन है। ये पीछे की साइड बैक कैमरा बहुत ही अच्छा है, और इसमें हम मैक्रो शॉट का एक बार फोकस करके देखते हैं, बहुत ही जल्दी फोकस हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन है। और देखिए, ये आप देख सकते हैं कितनी जल्दी फोकस कर रहा है, एक तुरंत ही फोकस कर रहा है, मतलब। और इसका जो टच है ना भाई, क्या गजब है, मतलब मक्खन, जहाँ टच कर रहा हूँ वहीं टच होता है ऑन द स्पॉट। और ये एक बार देख लीजिए फिर से मेरा फेस, मैं हूँ शाहरुख खान, आप लोग तो जानते ही है। ये मैंने एक फ़ोटो क्लिक की है ताकि आपको पता चले, इसको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, क्लियरिटी बहुत ही स्मूथ है, और लाइक मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, लाइक अगर आप फ्रंट कैमरे से वीडियो वगैरह बना। तो गाइज, आप में से किसी को भी एक विनर को ये मिलेगा, विनर नहीं मतलब जो भी सबसे ज़्यादा शेयर करेगा वीडियो को, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, तो जल्दी से जल्दी मचा दो यार। नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको रेड से अलग कलर का कर दो, लेकिन वो रेड नहीं दिखना चाहिए, बस गाइज। तो आप लोगों के लिए ये पोको मैं गिव अवे करूंगा, और ये क्या हो रहा है, मैं साइन ऑफ लेता हूँ। मेरा नाम है शाहरुख, आप देख रहे हैं SRK चैनल, और जय हिंद।